सीरीज कब खत्म हो जाते पता ही नहीं चलता। हाँ, मुझे भी नहीं लग रहा है कि आज छुट्टियों का लास्ट डे, कल से स्कूल स्टार्ट है। कॉफी 250 रुपीस? तुम क्या पियोगी, कॉफी? नहीं, तुम पियो, मुझे नहीं चाहिए। क्यों, हमने तो पी थी ना तुम्हारे घर कॉफी। मिली, I'm sorry, पर मैं तुम्हारे 250 रुपीस की कॉफी अफोर्ड नहीं कर सकता। शिमा चाहती है कि मैं मनी वाइसली स्पेंड करूं, मैं मनी की वैल्यू जानूं। आई एम नॉट कंप्लेनिंग बिकॉज आई नो इनका पॉइंट सही है। डोंट वरी, मैं मेरी कॉफी के लिए खुद पे कर दूंगी और आई एम वेरी हैप्पी कि तुमने सच सच बता दिया। वेटर, टू कैपुचिनोस। ओके, लेट्स मैच। हाय आदि, हाय मिनी, खाते तुम लोग? हाय, हम लोग क्लास गए थे, तुम लोग ने बंक किया ना? हाँ, आज छुट्टी का लास्ट डे, इसके लिए हम मस्ती कर रहे थे, घूम रहे थे। इनफैक्ट अभी तो हम मूवी देखने जा रहे हैं। वाओ, मूवी कौन सी? अरे वो इंग्लिश मूवी है ना, बहुत अच्छी है, फुल एक्शन, यही पास वाले थिएटर में लगी है। हाँ, आई नो, मेरी कजन बहन ने भी मुझे बताया था कि वो मूवी सुपर्ब है। आदि, हम लोग भी चलें? और नहीं, मुझे अपनी कजन सिस्टर से मिलने जाना है, तुम लोग जाओ। कम ऑन आदि, आज छुट्टी का लास्ट डे है, तुम तो उससे बाद में मिल लेना प्लीज। आदि प्लीज ना, चलो ना प्लीज। सब लोग बोल रहे हैं आदि प्लीज। ओके, मैं चलता हूं, अपनी कजन सिस्टर से बाद में मिल लूंगा। थैंक यू। अयो मेरी चीको, प्लीज डोंट क्राई, क्या हो गया? लुक एट मी, लौका मुझे दो, मैं उसको सुलाती हूं, आप पहले दूध पियो। दिस इज फॉर यू। देखना कॉन्स्टेंटली रोए जा रही है, पता नहीं क्या हो गया मुझे। मैं सुलाती हूं, जस्ट टेक रेस्ट। ओके, व्हाट सी अरे वो ऐसे नहीं चुपोगी, तुम लोगों को नहीं आता भाई चुकना ना, उसे अपने अप्पा के पास आना है। दो मैं चुप करा था, दो या लाइक दिस। ओ माय बच्चा, व्हाई यू क्राइंग? ओ पुटी, देखा चुप हो गई। अरे रो क्यों रही है, ये तो फिर से रोने लग गई, लेकिन अभी तो चुप हो गई थी। अब बेटा चुप हो गई। बाल सुब्रमण्यम इसका याद है, परिमा कैसे म्यूजिक सुना के चुप कराती थी। सुनी लिखनी पूरा जमाने का है। मुझे पता है ये क्यों रो रही है, क्योंकि इसे पता चल गया कि इसका नाम रमन भल्ला है, इसलिए तो इतनी अपसेट हो गई मेरी चीकू। प्लीज यार, नाम बुरा नहीं है। और प्लीज यार, क्या किया है रमन ने? यार भूख के मारे जान जल रही है। नीलू, माँ कोई नहीं है इस... घर पे कोई नहीं है, सारे अयर अंकल के घर गए। वो बच्चा रोई जा रही है, रोई जा रही है, क्या चक्कर उसका? वहाँ पे मदरसों का चक्कर नहीं, रोते हुए आते फिर जिंदगी में दूसरों को रुलाते। भाई बड़ी भूख लगी खाने के लिए, कुछ भी नहीं बताओ क्यों काम चलाओ रेस्टोरेंट है ना। एक काम कर, तू पिज्जा ऑर्डर कर, मैं लोगों को पूछता हूँ तब तक क्या खाना। पिज्जा ऑर्डर? हाँ ओके। हेलो, हेलो, रोमी भल्ला? हाँ जी, कौन? जी मैं सिटी हॉस्पिटल से बोल रही हूँ। उस दिन आप आए थे ना उस लड़की के बारे में पूछने? हाँ हाँ, आपको कुछ पता चला? वो लड़की यही है इस हॉस्पिटल में। क्या? मैंने उसे अभी देखा, आप जल्दी आ जाइए प्लीज। प्लीज उनको वहीं रोक के रखिए, मैं अभी निकल रहा हूँ। मैं आ रहा हूँ। ओके, हॉस्पिटल में लोगों को बताना चाहिए ना, ये फिल्म एडल्ट है और मेरे भाई ने तो कहा था कि कार एक्शन फिल्म है। मैं तो बहुत एक्साइटेड थी, पर विनी मुझे लगता है इस फिल्म में बहुत मर्डर होगा, बहुत ब्लड होगा, बहुत वायलेंस होगा, शायद इसके लिए एडल्ट है। एक काम करो ना, तुम अपने भैया से कह दो कि मैं फिल्म डाउनलोड करके दे दे, तुम घर पे बैठ के देख लेना। एक काम करते ना, तुम्हें तो फिल्म डाउनलोड करना आता है, तुम
मेरे घर पे आ जाना, हम लोग साथ में डाउनलोड करेंगे और साथ में देख लेंगे। हाँ घर से बाहर जा रही हूँ, मुझे आने में लेट हो जाएगा। और सुनो, खाना ना माइक्रोवेव में रखा हुआ है, गरम करके खा ले। ओके बेटा, टेक केयर, या बाय। आदि, मेरी मम्मा तो बाहर गए और मेरे डैड ऑफिस से लेट आएंगे, तो तुम मेरे घर आ जाना, तुम मूवी भी देख सकते हैं हम लोग साथ में। मैं कोई रॉन्ग थोड़ी ना, बट विनी कम ऑन आदि, वैसे भी हम लोग बाहर फिल्म देख रहे थे ना, हम लोग घर पे देख लेंगे तो क्या होगा प्लीज। और तुम्हारे सिवा मेरा कोई भी फ्रेंड नहीं है, प्लीज आती है। ओके चल। थैंक यू आदि। ड्राइवर अंकल घर पे चलो, पापा को मैसेज करके बता देता हूँ कि मैं लेट आने वाला हूँ। रमन किया है? क्यों? आपने किया कैसे? हम लोग तो चुप करा करा के थक गए, वो चुप नहीं हो रही थी। हुआ कैसे ये? इसे टैलेंट कहते हैं। कहाँ खड़ा हूँ मैं? पंखे के नीचे। हाँ तो पंखे के नीचे हम भी थे पहले। बेटा दिमाग और पंखे दोनों बंद थे, उसे गर्मी लग रही थी इसलिए, अब पंखा चालू है वो सो गई। कुछ रमन, बेबीज को ऐसे डायरेक्टली फैन के नीचे नहीं रखते, इट्स नॉट गुड फॉर देम। मद्रासी बच्चे नाजुक होते होंगे, पंजाब में तो हम बच्चों को ऐसे ही सुलाते समझे। भैया ये कोई मद्रासी फंडे नहीं है, हम लोग नॉर्मली भी बच्चों को पंखे के नीचे नहीं रखते। तेरा दिमाग घुटने में है क्या? भूल गई जब रूही छोटी थी ऐसे ही रोती थी, जब गर्मी लगती थी पंखे के नीचे फट से सो जाती थी। और वैसे रमन को तो रमन ही समझ सकते हैं। एक काम करो, तुम थोड़ा आराम कर लो, मैं प्रोजेक्ट का काम कर रहा हूँ तो मैं इस पे नजर रखता हूँ। आप लोग सब बहुत थक गए होंगे, कुछ खाने को ऑर्डर कर लो आप लोग। जी जो मैंने खाना बना दिया, आप जाओ ना, मैं आपके लिए रूमी के लिए खाना भिजवाती हूँ। बारा पंखा बेधड़क चालू कर, डरना मत। टैलेंट है यार, टैलेंट है। बेटा किसका है? दिमाग मेरा है। चलो वो सर के अपने मुझे फोन किया था। जी वो तो चली गई। चली गई? कहाँ चली गई? आने में टाइम तो लगेगा ना, ट्रैफिक में आऊंगा यार, टाइम तो लगेगा यार। आप पता भी था मैं उसको ढूंढ रहा हूँ। अरे मैंने भी तो कहा था कि जल्दी आओ, अब वो जा रही थी तो मैं उसे कैसे रोकती? कोई एड्रेस वगैरह दिया उसने? कुछ तो पता किया होगा, कहीं कुछ बता दो। उसका एड्रेस मैं कैसे ले लेती? और अगर वो पूछती कि क्यों चाहिए तो मैं क्या बताती और किस बहाने से रोकती मैं उसे? मैंने देखा कि वो सारी का ही थी, तभी तो मैंने आपको फोन करके बुलाया और उसके बारे में सब कुछ बताया। उल्टा आप मुझे ही डांट रहे।